अभी तक अपन ने पढ़ा था इफ एल्स इफ और एल्स के बारे में। अब इस वीडियो से अपन देखने वाले हैं किस तरीके से फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है और जावा स्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर दो एक्स्ट्रा फॉर लूप भी हैं जिसको फॉर इन और फॉर ऑफ लूप के नाम से जाना जाता है। तो फॉर लूप को जानने से पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि लूप क्या होता है, लूप का अपन यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। तो लूप को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि एक अगर आपसे कोई टास्क दिया जाता है कि आप प्रिंट करिए 1 to 5 नंबर, 1 से लेके 5 नंबर तक प्रिंट करिए, तो आप क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग लेंगे और यहाँ पे जैसे 1 प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग लेंगे, 2 प्रिंट करेंगे और फिर इसको फिर से एक बार कंसोल डॉट लॉग लेंगे और 3 प्रिंट करेंगे, फिर से कंसोल डॉट लॉग लेंगे, 4 प्रिंट करेंगे और इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग लेके 5 को प्रिंट करते हैं और ये अपना आउटपुट आ भी जाएगा, सही आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ 1 to 5 की जगह 1 to 5 इतना बड़ा नंबर आपको प्रिंट करना है, तब भी आप यही करेंगे क्या? तो इस तरीके से करेंगे कितना लंबा जाएगा, तो इस तरीके से नहीं करना है। तो अपने को किस तरीके से इसको यूज करना है और किस तरीके से अपने कोड को ऑप्टिमाइज करके छोटे से छोटा बनाना, तो उसी के लिए अपन को फॉर लूप का यूज लगता है। कि फॉर लूप क्या करता है, एक ही चीज़ को बार 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 चला देता है, ठीक है। जैसे कि अपन को नंबर को प्रिंट करना है बार बार, तो अपन एक इसका बेसिक सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप को बोला, सबसे पहले एक कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन किया, फिर एक कंडीशन लगाई, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद इसमें जो भी अपन को प्रिंट कराना है अपन ने वो प्रिंट करा दिया। जैसे आप यहाँ पे केवल इसी 3 लाइन के कोड से अपन 0 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपनी जो 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू है केवल 2 लाइन के कोड से प्रिंट हो गया वो, और कर्ली ब्रैकेट लगाने की मदद से। तो ये फॉर लूप किस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पर दे रहा है, फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन देने का जो तरीका है, तो उसने क्या किया, पहले आई के अंदर 0 को वैल्यू असाइन की, यानी कि आई के अंदर वैल्यू गई 0। उसके बाद उसने चेक किया कि 0 10 से छोटा है, बिल्कुल है। अब जो नंबर, अब फिर आई की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीमेंट किया गया, तो आई की वैल्यू को बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से लूप चलता गया। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में आई की वैल्यू को बढ़ा के 1 कर दिया गया, 1 10 से छोटा है क्या, बिल्कुल है। अंदर गया, इसने 1 को प्रिंट किया, क्योंकि आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब तो कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से चलते चलते जब उसका 10 हो जाएगा, वो चेक करेगा 10 की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है क्या, तो बिल्कुल है, तो क्योंकि 10 के बराबर है तो वो 10 के अंदर जाएगा। आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, लेकिन असाइन तभी होगी जब उसको कॉल किया जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट कर देंगे, उसके बाद आई की वैल्यू जो 11 है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी, लेकिन इस बार कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अपना जो आउटपुट है वो 10 तक रहेगा और उसके बाद इसके बाहर निकल के आ जाएगा। और इसमें आपको अगर हम डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, बस 1 मिनट का है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा अपन करते गए, अपन जैसे इस तरीके से फॉर लूप आपने बनाया, फॉर लूप के अंदर लेट आई इक्वल टू 0 डाला, आई के अंदर एक कंडीशन दी और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दिया, और इसके बाद अपन ने कंसोल डॉट लॉग करके आई की वैल्यू को प्रिंट कराया था इस तरीके से, और कर्ली ब्रैकेट लगा के बंद कर दी। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई के अंदर वैल्यू गई 0। अब आई की वैल्यू ने चेक किया कि क्या वो 10 से छोटा है, यानी कि 0 को चेक किया, क्या वो 10 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अगर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही नहीं। इसके बाद उसने क्या किया, i++, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसीलिए पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये जो कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद वैल्यू को असाइन किया जाएगा।
पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसी के बाद वैल्यू को असाइन किया जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आई का प्लस प्लस जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने से अपन को ये फायदा होता है कि अपन पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, उसके बाद अपन उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे। सेकंड जब इटरेशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आई की वैल्यू इस बार वन हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, क्या वन 10 से छोटा है, बिल्कुल 10 से छोटा है, वैल्यू सेटिस्फाई होगी, स्टेटमेंट आई की वैल्यू को फिर से प्लस प्लस किया जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 2 तो हो जाएगी लेकिन पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से वो चलेगा, इस तरीके से वो चलता रहेगा कब तक, जब तक आई की वैल्यू 10 रहेगी। आई की वैल्यू 10 हो गई, चेक किया कि आई की वैल्यू 10 ये वाला अपन ने कंडीशन लगाया था, लेस देन इक्वल टू वाला, तो अब वो चेक करेगा कि 10 आई से 10 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल है, 10 10 से बराबर तो है, तो उसने अगले उसके जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। इसने इस बार स्टेटमेंट का तो एग्जीक्यूट किया, इस बार इसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, लेकिन नेक्स्ट के अंदर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। आई की वैल्यू 11 हो गई, वो चेक करेगा 11 10 से छोटा या उसके बराबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये लूप के बाहर अब आ चुका है, तो इसके अंदर लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट या कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको अब लिखे होने से इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है। केवल एक मिनट का एक्सप्लेनेशन था। अब बात करते हैं फॉर इन लूप की और फॉर ऑफ लूप की। वैसे अपन एक इसी फॉर की मदद से अपन एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम तो अपन बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्रिंट कराने का हो गया 0 से लेके 10 तक। फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप, सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर इन लूप। अपन ने अभी तक एरे नहीं पढ़ा है तो, लेकिन जो फॉर ऑफ लूप या फॉर इन लूप, ये दोनों ही इटरेशन जहाँ पे अलाउ होता है उस जगह पे लगाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर की दे दी, जैसे नाम दिया, नाम के अंदर जैसे दे दिया मैंने सागर, और किसी का जैसे मैं यग्नेश को वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी अनडिफाइंड। और इसी तरीके से एक और कुछ दे सकते हैं, जैसे कि रोहित को एक कोई नंबर दे दिया 5 6 7। इस तरीके से अपन ने एक ऑब्जेक्ट नाम से बना लिया। इसके ऊपर अपन को अगर फॉर लूप लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, फॉर लूप खोलेंगे, फिर से एक लेट बनाएंगे, लेट नाम से कोई भी एक एलिमेंट बनाया, जैसे यहाँ पर मैंने एक ए नाम से एलिमेंट बनाया, उस ए को क्या करेंगे, लेट ए इन ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना लिख देंगे ए इन ऑब्जेक्ट, और कंसोल डॉट लॉग करके ए को अपन प्रिंट करा देते हैं। अब आउटपुट देख, पहले ऊपर वाले को अपन क्या करते हैं, अपन कमेंट आउट कर देते हैं जिससे एग्जीक्यूट ना हो, चलाते हैं अपन। वो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। लेकिन अभी अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, जैसे इसको दे देते हैं अपन नेम दे देते हैं, इस तरीके से नेम दे देते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो दे रहा है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। इसने क्या किया, इसके अंदर इटरेशन लगा दिया। इसने इटरेशन किस तरीके से लगाया मैं आपको बताता हूँ। देखो नेम के अंदर क्या है, 1 2 3 4, चार कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 चार कैरेक्टर, तो इसके इसने चार कैरेक्टर उठा के दे दिए, ये कैरे की तरह जी बन गया। मैं इसको दोबारा से इसको हटाता हूँ, एक इसको दोबारा से हटा के ऑब्जेक्ट डॉट नेम करता हूँ, इसके बाद इसको लगाता हूँ, फिर से इसका प्रिंट आ गया 0 1 2 3 4, बिल्कुल सही, मैं ही गलती कर गया था, 0 1 2 3 4। इसमें आप नेम, अभी मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखाता हूँ, एक कमेंट लगाता हूँ सबसे पहले। अब आप नेम की वैल्यू देखिए, नेम के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो है सागर। सागर के अंदर कैरेक्टर कितने हैं,
सागर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, सागर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, एस पहले नंबर का कैरेक्टर है, ए दूसरे नंबर का कैरेक्टर है, जी तीसरे नंबर का कैरेक्टर है, ए फिर से चौथे नंबर का कैरेक्टर है और आर इसके अंदर पांचवें नंबर का कैरेक्टर है। लेकिन ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन वैल्यू को अगर एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो ए लूप जो इन लगाते हैं, फोर इन लूप लगाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अपन को इंडेक्सिंग नंबर दे देता है। क्या दे देता है, इंडेक्सिंग नंबर। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी को अगर इंडेक्सिंग करूँ इसकी, तो एस को क्या दे रहा हूँ, जीरो, ए को क्या दे रहा हूँ, वन, जी को क्या दे रहा हूँ, टू, और फिर से ए के अंदर की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, थ्री, और आर के अंदर वैल्यू है जो उसको क्या दे रहा हूँ, फोर। ये तो इसी तरीके से जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, उसके इंडेक्सिंग नंबर। तो हमेशा याद रखना कि फोर इन लूप किस लिए लगाया जाता है, फोर इन लूप हमेशा इसलिए लगाया जाता है, कोई भी आपने एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या है, उस एलिमेंट का पोजीशन नंबर क्या है। जैसे कि यहाँ पे सागर, नेम सागर, आपने नेम के अंदर सागर था, सागर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, पांच, तो पांचों कैरेक्टर किस तरीके से असाइन होंगे, जीरो पोजीशन पे एस जाएगा, पहली पोजीशन पे ए जाएगा, दूसरी पोजीशन पे जी जाएगा, तीसरी पोजीशन पे ए जाएगा, चौथी पोजीशन पे आर जाएगा। तो इस तरीके से, और हमेशा याद रखना कि इंडेक्सिंग हमेशा इसकी जीरो से स्टार्ट होती है, ये बिल्कुल एरे की तरह काम करता है। और अगर इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम की जगह मैं ऐसा भी कर देता हूँ, अगर मैं बाई डिफॉल्ट ऐसे कर दूँ, क्या कर सकता हूँ, यग्नेश लिख देता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। तो यग्नेश के अंदर आप कैरेक्टर देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात हैं, तो जीरो से लेकर सिक्स तक आएगा इसका अनएक्सपेक्टेड नंबर। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ए ऑफ करते हैं इसको, ए ऑफ, ओ सॉरी अपन ने गलती कर दी, अपन ने ये जो कमेंट जो भी लिखा है इसको पहले हटाना था, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ आ रही है। ए नियग्निस करते हैं, फिर इसको रन करते हैं अपन, तो अपना जीरो से लेकर सिक्स तक जैसा कि मैंने आपको बताया था वो प्रिंट होके आ गया। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टर है वो जीरो पोजीशन पे है, दूसरा कैरेक्टर है फर्स्ट पोजीशन पे है, तीसरा कैरेक्टर सेकंड पोजीशन पे है, चौथा कैरेक्टर थर्ड पोजीशन पे है, पांचवा कैरेक्टर फोर्थ पोजीशन पे है, छठवां कैरेक्टर फिफ्थ पोजीशन पे है, और लास्ट कैरेक्टर अपना सिक्स पोजीशन पे है। तो हमेशा इंडेक्सिंग इसकी हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। इसी के अंदर जैसे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ऑफ का लगाते हैं, अगर अपन इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपन अगर ऑफ को लगाते हैं तो इसका आउटपुट देखना आप, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, यानी कि ऑफ लूप हमेशा उसी के ऊपर लगता है जो इटरेबल है ऑब्जेक्ट। इसमें आप क्या इटरेट करेंगे, आपको क्या लगता है की और वैल्यू इन सबको इटरेट किया जाएगा, नहीं। इन लूप इस पर क्यों एग्जीक्यूट हो गया था, इन लूप इसलिए एग्जीक्यूट हो गया था, वो भी इटरेबल है, लेकिन वो एग्जीक्यूट इसलिए हो गया था क्योंकि वो केवल पोजीशन नंबर बताता है, उसको केवल इस बात से मतलब है कि एक मुझे एलिमेंट मिलना चाहिए। कोई भी आपने जिसको उसको वर्ड दे दिया या फिर कोई सेंटेंस दे दिया या फिर कोई नंबर दे दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता आपने क्या दिया, उसको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है आपने जो भी नंबर दिया उसकी मुझे पोजीशन बतानी है। मतलब जैसे आप समझिए आपके घर में कोई इंसान आया, आपको फर्क नहीं है वो आपका मामा है, चाचा है, दादा है, नाना है, क्या है, कोई नहीं है, आपको सिर्फ इतना बता दिया कि पहले नंबर का जो आदमी आता है वो उसको इधर बैठा दिए, दूसरे नंबर का आदमी आता है उसको इधर बैठा देना है, तीसरे नंबर का आदमी आता है उसको इधर बैठाना है, चौथे नंबर का आदमी आता है कोई इसको इधर बैठाना है। तो इन लूप इस तरीके से काम करता है, उसको नहीं मतलब कि कौन है क्या है। फोर ऑफ लूप किस तरीके से काम करता है, फोर ऑफ लूप इस तरीके से काम करता है कि अगर जैसे आपके उन्होंने बताया कि अगर मामा जी आए तो उनको आखिरी वाले कमरे में ही ले जाके बैठाना है, अगर चाचा जी आए तो पहले वाले कमरे में लेके बैठाना है, अगर तुम्हारे पापा जी आ गए ना तो सबसे पहले उनके पैर छूना है। तो इस तरीके से फोर ऑफ लूप हमें बताता है कि हम जो इटरेशन पे काम करेंगे, हमें या तो तुम एरे दो या स्ट्रिंग दो, एरे और स्ट्रिंग के अलावा तो हमको कुछ और दोगे ना, हम उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं इसको देता हूँ सागर देता हूँ फोर ऑफ लूप को, तो इसमें देखो उसने क्या किया, एस ए जी ए आर सबको अलग अलग करके दे दिया, उसमें क्या था इसके पोजीशन नंबर दे रहे थे, उसमें जो भी अपन ने
वैल्यू दे रहे थे उसका पोजीशन नंबर मिल रहा था, यानी कि जो लोग आ रहे हैं उन सबको बैठने के लिए जगह दी रही, बैठने के लिए जगह दी जा रही है, इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी लोग आए हैं उन सबको पकड़ पकड़ के ले जाए गए, अरे तुम आए तुम तुम्हारा, तुम आए तुम्हारा, चाचा जी का ये, पापा का ये, दादा का ये, नाना का ये, सबका ये, दादाजी ये बैठे, चाचा जी ये बैठे, मतलब सबको मालूम पड़ गया कि यस ये है, यस का मतलब यहाँ समझ लो दादाजी हैं, ए का मतलब ये समझ लो चाचा जी हैं, जी का मतलब ये समझ लो मामा जी हैं, ए का मतलब फिर से समझ लो कोई चाचा जी है, आर का मतलब समझ लो कोई मामी है, दादी हैं, कोई भी हैं। तो इस तरीके से सबको मालूम पड़ गया कि यस यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे है, जी है, ए है, आर है, तो सबको एक एक करके अपन को निकाल दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फोर इन फोर ऑफ लूप और फोर लूप का पूरा ये किस तरीके से काम करता है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप भी अपन को पढ़ना है, तो वो भी अपन पढ़ के देखेंगे, और इनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा कि इनके आपस में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, लव यू, बाय बाय।